हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो मैं बताऊंगा कैसे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकाला जाता है जब डायलैक्ट्रिक का थिकनेस जो वो वेरिएबल हो, ठीक है। बहुत इजी मेथड में बताऊंगा और विजुलाइज करके बताऊंगा। जैसे मैं एक उस तरह का लिया हुआ हूँ डायलैक्ट्रिक को समझाने के लिए, जैसे ऊपर रेड है, नीचे क्या है, ब्लू है, तो मैं कैसे इसको विजुलाइज करके पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को इसको सॉल्व करने में या समझने में, ठीक है। और मैं पिक भी डाल दिया हूँ कि ये किस तरह का होता है, तो उस आप पिक को भी देख सकते हो कि कैसे ये किस तरह का होता है। तो तीनों पार्ट में डाल दिया हूँ कैसे मैं आगे सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक ना, क्लियर है। तो मेन प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि लोग को डेरिवेशन समझ नहीं आता, क्योंकि वो विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखो, ये तो 2D है ना बोर्ड, तो उसमें 3D की चीज़ों को बताना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस कारण से ये प्रॉब्लम आती है, ठीक ना। और दूसरी बात देखो, इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा जरूर जाता है, लेकिन आप इसको एंड रिजल्ट भी याद रख सकते हो। अगर तुम आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो एंड रिजल्ट याद करके भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो डेटा को फॉर्मूले में पुट करके। देखो हाँ, ये जो टॉपिक है एग्जाम में कई बार आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो नीट हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो जेई मेन्स हो, चाहे वो जेई एडवांस हो, ठीक है, कई बार आया हुआ है। तो उसको तो मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार उधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ज़रूर देख के जाना इस क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखो क्या है ना, कुछ ऐसा है, ठीक ना, कुछ ऐसा है। अब देखो, ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, बीच में क्या लगा हुआ है, डायलैक्ट्रिक। बीच में क्या लगा हुआ है, डायलैक्ट्रिक। सुनो, डायलैक्ट्रिक मैं समझाता हूँ, विजुलाइज भी करवाता हूँ। जैसे ये ऊपर वाला मान लो ये डायलैक्ट्रिक अलग है K1, और नीचे वाला डायलैक्ट्रिक क्या बच्चों, अलग है, वो है K2, ठीक है। तो अभी कैसा है सर, समझ नहीं आ रहा कैसा है, तो कोई बात नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये प्लेट है, ये जो अपर रीजन दिख रहा है ना, ये प्लेट है, उसके बीच में नीचे भी एक प्लेट है, और बीच में क्या लगा हुआ है, डायलैक्ट्रिक। डायलैक्ट्रिक का थिकनेस अलग है, यहाँ देखो अलग है, यहाँ यहाँ अलग अलग सब जगह। जैसे ये देख लो, ये दिख रहा है तुम्हें, ये ऊपर प्लेट है, एक ये प्लेट है और नीचे दूसरा प्लेट है, एक ये प्लेट और दूसरा ये प्लेट, दो प्लेट है, ठीक है, दो प्लेट है, ऊपर और नीचे प्लेट है, ठीक है, ये दो प्लेट, उसके बीच में डायलैक्ट्रिक है। लेकिन डायलैक्ट्रिक देखो, अभी तक जो हम लोग डायलैक्ट्रिक पढ़े हो उसका थिकनेस सेम होता था, यहाँ से यहाँ तक पूरा थिकनेस, लेकिन यहाँ पर डायलैक्ट्रिक ऊपर का वाला डायलैक्ट्रिक ऐसे और नीचे वाला, अभी दोनों का थिकनेस क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये प्लेट है, ये प्लेट, तो हम लोग कैपेसिटर में एरिया किसका लेते हैं, प्लेट एरिया या ये डायलैक्ट्रिक का एरिया, प्लेट का एरिया लेते ना, ये वाला एरिया लेते हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, रीजन क्या है, रीजन ये है कि ना यहाँ पे थिकनेस क्या है, डायलैक्ट्रिक का वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, सुनो, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करने के सॉल्व, चलो मैं ये तो 3D में मैं बता दिया हूँ, मैं इसको 2D में लेके आता हूँ कैसे। देखो अब यहाँ पे यहाँ पे हमारा डायलैक्ट्रिक, ठीक है, ये ठीक है, ये प्लेट है, इन दोनों के बीच में हमें कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। अब देखो क्या है ना, कुछ भी मान लो, ये जो है इसको क्या मान लो, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल डी, ठीक है ना। और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई किसकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं ये अभी बनाया था ना, तो देखो ये वाली की बात कर रहा हूँ, ये तुम ऐसे देख सकते हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली चौराहे की, ठीक है। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, बी, इसको क्या मान लेता हूँ मैं, बी, चौराहे समझ रहे हो, जैसे ये है ना, एक तो ये तुम्हें अभी ये वाला सामने वाला दिख रहा है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये क्या है, बी, ये क्या है बच्चों, डी, ये क्या है, ए, और ये क्या है, बी, समझ में आया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या है, बी, क्लियर है, ठीक है, ये क्या है, बी, समझ में आ गया, क्लियर है, पिक्चर में भी देख सकते हो, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हें।
तो ये हो गया हो गया हो गया, अब क्या करना है? प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे लगातार थिकनेस चेंज हो रहा था, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है? तो अप्रोच करने के लिए देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक ना हम लोग एक एलिमेंट्री लेते हैं कोई भी डिस्टेंस एक्स पे, मान लो यहाँ से हम एक्स डिस्टेंस पे क्या लेते हैं बच्चों, एलिमेंट्री एलिमेंट्री, ठीक है। जैसे मैं एक एलिमेंट्री थिकनेस लेता हूँ, जिसका थिकनेस क्या है डी एक्स, देखो ये ऐसे कुछ लिया हुआ, ये क्या है डी एक्स, ठीक है, ये क्या है डी एक्स, डी एक्स थिकनेस का एक्स पे मैं लिया हुआ हूँ, ठीक है, क्लियर है, ओके सर। अब ध्यान देना, ये छोटे से डी एक्स में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट छोटे से डी एक्स में ऑलमोस्ट सभी का जो पूरे डायलेक्ट्रिक का थिकनेस ऑलमोस्ट क्या है, सेम है ना, थोड़ा सा अंतर है, वो इससे भी छोटा डी एक्स है। अब इससे छोटा डी एक्स लेकिन तुम्हें दिखेगा ही नहीं, तो ऑलमोस्ट बता इसका भी थिकनेस इतना 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 ऑलमोस्ट सभी का क्या है सेम है। अब तुम बोलोगे नहीं सर इसका ज़्यादा, वो डी एक्स इससे भी छोटा लिया जाता है, लेकिन अब अगर इससे छोटा लेगे तो तुम विजुलाइज कैसे करोगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो ऑलमोस्ट क्या है सेम है, ठीक है। तो ये डी एक्स और ये एक्स, तो अब हमारे पास यहाँ पे दो कैपेसिटर है छोटे छोटे एलिमेंट में। देखो एक कैपेसिटर को मैं मानता हूँ क्या बच्चों, देखो एक कैपेसिटर को मैं क्या मान रहा हूँ, ये डी सी वन। सर डी क्यों लगाया, क्योंकि छोटा सा डायरेक्टली तो कैपेसिटेंस भी छोटा होगा, और ये वाला ये जो तुम्हें दिख रहा है वो क्या है डी सी टू, डी सी टू, क्लियर है, ये डी सी वन है ये डी सी टू। अब बताओ ये डी सी वन डी सी टू पैरेलल ये सीरीज में, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, मैं तुम लोगों को बताया हुआ जब डिस्टेंस में डिवाइड होता है तो वो सीरीज होता है, मैं बताया हूँ ना। अब देखो इन दोनों के बीच में निकालना है, किसके किसके बीच में बच्चों, ए और बी के बीच में निकालना है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में निकालना है, तो बताओ इन दोनों के डिस्टेंस में ना, अब एरिया इन दोनों का सेम है, बोलोगे कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे देखो ये है ना ये, तो मैं एलिमेंट्री कौन सा लिया हुआ हूँ जी, तो देखना यहाँ पे एरिया हम लोग कौन सा लेते हैं, प्लेट का एरिया ना, प्लेट कौन है ये प्लेट, प्लेट कौन है ये और एक ऊपर वाला, तो हम लोग प्लेट का एरिया लेते, तो इस वाले का प्रोजेक्शन प्लेट में देखो ये है ना, ये वाला ये प्रोजेक्शन ये वाला पार्ट, ठीक है, तो मेरे को ये वाला एरिया लेना है ना। उसी तरह ऊपर में देखो इसका प्रोजेक्शन क्या है ये, तो मेरे को ये एरिया लेना है, तो दोनों का एरिया सेम होगा ना, तो अब एरिया बता सकते हो क्या होगा, दोनों का एरिया सेम होगा, एरिया बताओ क्या होगा, डी एक्स डी एक्स ये डी एक्स है, डी एक्स मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना है बाप, ब्रेथ कितना बच्चों बताओ, ब्रेथ कितना बच्चों, ये डी एक्स है ये क्या है डी एक्स, ठीक है। अब ये बताओ कितना, हम क्या माने थे इसको बी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ क्या है बच्चों बी, तो बी, तो यहाँ पे भी तो ये होगा ना डी एक्स इंटू बी इसका एरिया हो गया, इधर भी डी एक्स इंटू बी एरिया होगा, ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों का एरिया सेम है, दोनों का लेंथ अलग अलग है, बताओ इसका लेंथ क्या है बच्चों, इसका लेंथ ये बोला और इसका सॉरी डी जो हम लोग ले गए थिकनेस ले गए, थिकनेस की बात मैं कर रहा हूँ, जब मैं बता था ना जब थिकनेस में डिवाइड होता है तो क्या होता है सीरीज, तो देखो ये थिकनेस में डिवाइड होना, जैसे ये टोटल था ये टोटल टोटल था, ठीक है, तो इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, इसका डिवाइड हो रहा है, अगर एरिया में डिवाइड होता तो पैरेलल, तो इसमें डिवाइड हो रहा है, तो ये कुछ थिकनेस का कुछ पार्ट ये ले रहा है, कुछ थिकनेस का कुछ पार्ट ये ले रहा है, पूरे डायलैक्ट्रिक का जो है दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का कुछ पार्ट ये ले रहा है कुछ पार्ट ये ले रहा है, तो मैं बताया था डायलैक्ट्रिक दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस जब डिवाइड होता है तो क्या होता है सीरीज में, तो ये और ये दोनों का डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस में डिवाइड हुआ, कुछ ये लिया कुछ ये, तो ये दोनों क्या है सीरीज में, एरिया सेम है तो पैरेलल, एरिया सेम है तो पैरेलल नहीं हो सकता, एरिया में डिवाइड होता तो पैरेलल होता है, ये मैं बात बताऊँ, लेकिन यहाँ डिस्टेंस में डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों क्या है बच्चों सीरीज में, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर, ये दोनों सीरीज में कैसे हुआ ये भी बात पता चल गया सर, ओके सर यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ओके ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका ड्राइवेशन। तो बताओ वन अपॉन डी सी इक्वल टू क्या लिखोगे, डी सी सर क्या होगा इन दोनों का इक्विवेलेंट, तो क्या लिखोगे वन अपॉन डी सी वन प्लस वन अपॉन डी सी टू, ठीक है, डी डिफ्रेंसिएशन वाला, ठीक है, डी सी वन डी सी टू, देखो कन्फ्यूज ना हो डी डी में, इसलिए हम यहाँ कैपिटल डी ले लिए, ठीक है ना, ये तो कन्फ्यूज हो जाते स्मॉल डी लेते यहाँ पे भी, तो डिफ्रेंसिएशन है इसमें, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग को डी सी वन एंड डी सी टू निकालना है पहले, तो हम लोग डी सी वन और डी सी टू निकालते हैं, तो देखो डी सी वन क्या होगा, डी सी वन क्या होगा, तो होगा देखो अब यहाँ पे हम डी सी वन किसको माने, इसको डी सी वन इसको माने तो इसका डायलैक्ट्रिक मान लो के वन है, और डी सी टू इसको माने तो इसका डायलैक्ट्रिक क्या मान लो के टू है, ठीक है सर, तो क्या लिखोगे डी सी वन में,
इसका डायलैक्ट्रिक जानते हो फॉर्मूला के वन एप्सिलॉन नॉट एरिया। एरिया क्या होगा बच्चों बताओ, एरिया क्या होगा? अभी मैं बताया हुआ था तुम लोग कुछ देर पहले, ये वाला एरिया लेते हैं ना, प्रोजेक्शन एरिया लेते हैं, इस प्लेट का एरिया लेते हैं जहाँ पे डायलैक्ट्रिक का प्रोजेक्शन आ रहा है, ये एलिमेंट्री डायलैक्ट्रिक का ये वाला एरिया लेते हैं। तो बताओ इसका थिकनेस क्या है डी एक्स, और ये क्या है बी, ये क्या है थिकनेस डी एक्स और ये बी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो डी एक्स इंटू क्या लोगे बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे बी डी एक्स अपॉन इसका, यहाँ इस पॉइंट पे इसका जो थिकनेस है, तो इसका थिकनेस हम सपोज कर लो इसका थिकनेस जो है वो क्या है बच्चों y, क्या है बच्चों y, ठीक है। तो इसका थिकनेस अगर y है, टोटल क्या है d, टोटल क्या है यहाँ से यहाँ तक d, तो इसका थिकनेस y है, तो बताओ इसका क्या हो जाएगा थिकनेस, इसका थिकनेस बताओ ये ऊपर जो है इसका थिकनेस क्या हो जाएगा d माइनस y होगा, d माइनस y होगा ना, ठीक है। इसका अगर y है तो इसका क्या हो जाएगा d माइनस y, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं डायलैक्ट्रिक का थिकनेस इस जगह पर जो डायलैक्ट्रिक का थिकनेस, क्योंकि हम कैपेसिटेंस भी तो इस छोटे का निकाल रहे हैं ना, डीसी वन निकाल रहे हैं, तो इस जगह इस डायलैक्ट्रिक का थिकनेस क्या है y, तो हम यहाँ y ले लिए, ठीक है। अब उसी तरह डीसी टू बताओ, डीसी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा के टू, इसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है के टू, तो यहाँ के टू लोगे एप्सिलॉन नॉट बी डी एक्स, बी डी एक्स एरिया सेम होगा, कैसे मैं बता रहा हूँ, थिकनेस क्या है डी माइनस वाई, तो यहाँ क्या लिखोगे डी माइनस वाई। अब सर एरिया कैसे से मैं ये पूछ रहा हूँ ना, तो देखो डायलैक्ट्रिक एरिया नहीं लेते हम लोग, प्रोजेक्शन एरिया लेते हैं ना, तो देखो नीचे भी जैसे हम अभी नीचे का बताए थे, तो ऊपर का भी क्या होगा, ऊपर का भी बताओ क्या होगा डी एक्स, ये प्रोजेक्शन प्लेट पे प्रोजेक्शन एरिया ये है, तो क्या लोगे डी एक्स इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो डी एक्स इंटू बी होगा ना, क्योंकि हम प्लेट पे प्रोजेक्शन एरिया लेते हैं डायलैक्ट्रिक का, ठीक ना। याद है ना जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ते थे तो बीच में पूरा डायलैक्ट्रिक लगा देते थे, तो हम लोग प्लेट का एरिया ए लेते थे कि डायलैक्ट्रिक का, प्लेट का एरिया लेते थे ना, पूरा ए इस वाला इसका एरिया लेते थे, ये प्लेट अगर ऐसे है तो ये ऐसे अगर प्लेट हो ऐसे, ठीक है, तो ये वाला एरिया लेते थे ना, ठीक ना ए, क्योंकि प्रोजेक्शन पूरे डायलैक्ट्रिक का यहाँ होता था, तो अभी भी प्रोजेक्शन का ही ले रहा है, ठीक है। तो बी डी एक्स डी माइनस वाई आ गया, डी सी वन डी सी टू आ गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे दो दो वेरिएबल है y और dx, दो दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो दोनों वेरिएबल को रिलेट कर दो एक दूसरे से, कैसे करेंगे बहुत इजी मेथड है, चलो अब हम लोग वो करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल दोनों वेरिएबल को रिलेट करते हैं जिससे कि एक वेरिएबल बन जाए। तो देखो मान लो ना ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है थीटा, सपोज कर लो एंगल क्या है थीटा, क्लियर है, ये एंगल मान लो थीटा है, ठीक है सर थीटा है, तो क्या करना है तो बताओ टेन थीटा इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल पे आओ, ये कौन सा ओ ए ए ए, तो नाम पहले से दिया हुआ, बी भी दिया हुआ था सीड, चलो ई एफ दे देते हैं, ओ ई एफ में आओ, तो डी अपॉन क्या लिखोगे टोटल, ये कितना है ए, टोटल ये कितना है ए, तो डी अपॉन ए लिखोगे, ठीक है क्लियर है। अब इस ट्रायंगल में आओ ई एफ, ये हो गया तुम्हारा जी एच वाले में आओ, ओ जी एच में, तो बताओ टेन थीटा इक्वल टू y अपॉन ये होगा ना y अपॉन ये, तो ये y है, ये क्या माने थे हम लोग x माने थे, तो क्या लिखोगे y अपॉन x, ये y माने थे और ये x माने थे, याद है ना x पे dx एलिमेंट लिए थे, याद है ना, ठीक है y अपॉन x हो गया, ठीक है। तो देखो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो तो राइट साइड भी इक्वल होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं y अपॉन x इक्वल टू d अपॉन a, तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं x d अपॉन a, x d अपॉन ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो y को तो हम ये लिख सकते हैं, तो बहुत तेजी है ये, तो y को एलिमिनेट कर दो यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या लिखोगे एक्स डी अपॉन ए, नीचे भी d माइनस एक्स डी अपॉन ए, ठीक है ये बन गया, क्लियर है। तो चलो ये इरेज करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करोगे तो पहले डी सी टू पूरा निकाल लो, क्या हो जाएगा के टू एप्सिलॉन नॉट बी डी एक्स डी ए माइनस एक्स डी, और एक ऊपर भेज दो अपॉन ही आता ना, तो ए को ऊपर भेज देते हैं, ठीक है क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे निकालते हैं, तो बताओ वन अपॉन डी सी इक्वल टू क्या आ गया, वन अपॉन डी सी वन, डी सी वन का उल्टा लिखोगे ना, क्योंकि वन अपॉन डी सी वन है, तो यहाँ क्या लिखोगे एक्स डी के वन एप्सिलॉन नॉट बी ए डी एक्स प्लस डी को कॉमन लो ए माइनस एक्स अपॉन
के टू एप्सिलॉन नॉट बी ए डी एक्स, ठीक है। तो अब वन अपॉन डी सी इक्वल टू क्या आ गया बताओ, डी कॉमन है दोनों में, यहाँ पे भी डी यहाँ पे भी डी, बताओ एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, बी भी कॉमन है, बी भी कॉमन है, ठीक है, ए भी कॉमन है, ओके। सब कॉमन है तो अब यहाँ पे क्या कर दो, बी ए भी कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, तो हाँ बताओ यहाँ पे क्या बन गया, फिर ऊपर है डी बाहर ले ली तो एक्स अपॉन नीचे क्या बचा है, के वन, के वन डी एक्स, ठीक है। और इधर बताओ डी ए माइनस एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी ए कॉमन लिए तो क्या बन जाएगा, के टू डी एक्स, ठीक है। देखो डरावना नहीं है, बहुत ईजी आराम से सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है ना, चलो ठीक है। डस्टर कहाँ गया, तो ये हो गया, तब इसके बाद क्या करना है, कॉमन तो बताओ वन अपॉन डी सी इक्वल टू क्या कर लो, डी एप्सिलॉन नॉट बी ए कॉमन है तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, के वन के टू डी एक्स, और उधर से किस डी एक्स इधर किस किसका मल्टीप्लाई होगा, के टू एक्स, ये तो एलसीएम जानते ही होगे सभी करना, अब ये बेटा बताने बैठेंगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा, के वन ए माइनस एक्स, ये बहुत ईजी है, टेंशन मतलब तुरंत ख़त्म हो जाएगा, ये आ गया, क्लियर है, ओके। तो अब पलट दो तो डी सी इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट बी ए अपॉन डी और के टू एक्स प्लस के वन ए माइनस के वन एक्स अपॉन, अब के वन के टू, अच्छा अच्छा पलटे है ना, पलट दिए ना, तो क्या आ जाएगा, के वन के टू को अब इसी इन्हीं लोग के ग्रुप में ले लो, के वन के टू और डी एक्स, और नीचे क्या आ गया बच्चों, के टू एक्स प्लस के वन, अच्छा इधर भी ना वो कर लो, एक्स वालों को एक साथ ले लो, तो बताओ क्या आ गया, के टू एक्स और ये आएगा के वन एक्स, तो एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, के वन एक्स, ध्यान देना, और प्लस के वन ए, ठीक है यहाँ तक, के टू माइनस के वन एक्स प्लस के वन ए, ठीक है, क्लियर है, बस डरावना नहीं है, बस तुरंत तुम लोग को अगर डरावना लग रहा है जिसको तो बस डायरेक्ट एंड रिजल्ट याद कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को तो पूरा बताना होगा ना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा इरेज कर दे, इधर का तो सब काम हो ही गया, इस सब का तो कोई काम नहीं, चलो ये सब इरेज कर देते, पता तो चल ही गया इधर का सब कुछ, हाँ तो अब जगह बहुत है, अब आराम से करेंगे, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी ए के वन के टू अपॉन डी डी एक्स, हाँ तो ये अब इंटीग्रेशन कर दो, तो डी सी का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा, सी, और इधर इंटीग्रेशन करना है डी एक्स अपॉन, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, के टू माइनस के वन एक्स प्लस के वन ए, कहाँ से कहाँ तक, एक्स का तो बताओ अभी, इरेज कर दिया ना इसको, फिर भी कोई बात नहीं, टेंशन ना, ये जो डी एक्स हम लोग लिए थे कहाँ पे, एक्स पे, तो ये एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है जीरो, और ये टोटल हम लेंथ क्या माने थे, याद है ए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो से ए, याद है ना, हम टोटल लेंथ इसका ए माने थे, तो जीरो से ए, क्योंकि एक्स वेरी कहाँ से कहाँ कर रहा है, जीरो से ए तक, तो हम जीरो से ए लेंगे, ठीक है, तो यहाँ जीरो से ए ले लिए, तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी ए के वन के टू अपॉन डी, बताओ डी लॉग, याद है ना नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग के टू माइनस के वन एक्स प्लस के वन ए, ये तो हो गया, अब फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है उससे बच्चों क्या करते हैं, याद है ना, उससे क्या करते हैं डिवाइड, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं यहीं पर डी, इसके नीचे नहीं आएगा, लॉग का फंक्शन नहीं होगा, वो अलग से के वन प्लस के टू माइनस के वन से डिवाइड होगा, ये तो तुम लोग जानते हो ना,
ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चों? बस हो गया, हो गया, टेंशन मतलब हो गया, जीरो से ए तक। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बी के वन के टू अपॉन डी के टू माइनस के वन, तो एल एन के टू माइनस के वन, अपर लिमिट एक बार ए रखो, तो ए रखेंगे प्लस के वन ए माइनस लोअर लिमिट एल एन, एक्स की जगह जीरो रखो तो जीरो हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा के वन ए। किसका किसका हालत ख़राब हो गया? हालत ख़राब ना करो, एप्सिलॉन नॉट ए बी के वन के टू डी के टू माइनस के वन, बस ख़त्म ही हो गया। लॉग लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी होता है ना, तो यहाँ पे वही करते के वन ए प्लस के वन ए, और नीचे क्या आ जाएगा के वन ए, ठीक है। इसको सॉल्व करो, हो गया हो गया हो गया हो गया। सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बी के वन के टू डी के टू माइनस के वन, तो अब ये क्या हो गया, देखो के टू माइनस के वन प्लस के वन, माइनस के वन प्लस के वन गायब, तो बच क्या गया एल एन के टू ए, और नीचे क्या गया के वन ए, ए से ए गया है। हो गया फाइनल एक्सप्रेशन, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बी के वन के टू अपॉन डी के टू माइनस के वन एल एन के टू अपॉन के वन, ये है फाइनल एक्सप्रेशन। याद रखना है तो याद रख लो, समझना है समझ लो, जैसे करना है कर लो, याद रखोगे तो सही रहेगा एग्जाम में डायरेक्ट। इसमें आप देखो के वन के टू का डेटा दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, या तो ऊपर एयर रहेगा नीचे डायलैक्ट्रिक रहेगा, ऊपर एयर रहेगा नीचे डायलैक्ट्रिक, तो एयर का डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है वन, तो एक में वन पुट करना, एक में जो डायलैक्ट्रिक की वैल्यू होगा वो पुट कर लेना, ए बी की वैल्यू बदल सकती है, जो भी बदल सकता है जैसे भी बदल सकता है, क्वेश्चन बहुत तरीके से घूम के आ सकता है, बस तुम्हें फॉर्मूला याद रहेगा तो पुट कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस चेक कर लो, के वन के टू एप्सिलॉन नॉट ए बी के वन के टू एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन डी के टू माइनस के वन एल एन के टू अपॉन के वन, ठीक है, क्लियर है, तो यही है, क्लियर है, तो यही है, तो ऐसे ही करना है। यहाँ पे बताओ ए क्या है, अभी मैं बताया था, इसमें ए क्या है, ये बी क्या है, ये और क्या है इसमें के वन के टू डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपिटल डी क्या था, ये और प्लेट कहाँ था, एक यहाँ, तो ये प्लेट था, ठीक है, इन दोनों के बीच में पूछा गया था, नॉट के इन दोनों के बीच में, याद रखना, ठीक है, क्लियर है। तो ये था तुम्हारा ड्राइवेशन जो कि अब हो गया कंप्लीट। तो अगर वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स अच्छे अच्छे कर सकते हो, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलो, क्योंकि मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसका नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है ना। और प्लीज़ 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 इस वीडियो को जितना से जितना शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि इससे मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद जय भारत।